टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर की जेल में बंद बंदियों को मनोरंजन के माध्यम से तनाव मुक्त बनाने के लिए रेडियो स्टेशन की तर्ज पर जेल परिसर में रेडियो स्टेशन प्रसारण केंद्र की स्थापना की गई है। जेल के रेडियो स्टेशन से बंदियों की फरमाइश पर उनके पसंदीदा गानों को बजाया जाता है, जिससे जेल परिसर में लगे माइकों के माध्यम से बंदी गाने सुन मनोरंजन कर रहे हैं और तनाव मुक्त रहने लगे हैं। जेल के रेडियो स्टेशन का संचालन भी बंदी ही करते हैं। ये है बुलंदशहर की जिला कारागार, जिसमें रेडियो जॉकी का काम कर रहा यह है 3 साल से जिला कारागार में बंद बंदी राम प्रताप, जो जेल में बंद अन्य बंदियों की मांग पर उनके पसंदीदा गानों को इसी लैपटॉप में फीड गानों को ढूंढकर और इंटरनेट के जरिए गानों को अपलोड कर बजाने का काम करता है। जेल प्रशासन ने गाने सुनने के लिए जेल परिसर में जगह जगह माइक लगा रखे हैं। बंदियों को तनाव मुक्त बनाने की जेल प्रशासन की कवायद की जानकारी पाकर आज जिलाधिकारी ने रेडियो स्टेशन आदि का निरीक्षण किया। इन्वेंट प्लस उनकी जानकारी के लिए शुरू किया गया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके माध्यम से जहां लोगों के बंदियों के इंटरटेनमेंट के लिए गाने चलाए जाते हैं, वहीं हमने सजेशन दिया कि वर्ष का प्रत्येक दिन अगर उस दिन कोई हिस्टोरिकल घटना हुआ हो, स्पेशली आज़ादी की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अगर किसी देशभक्त का जन्म हुआ हो या अन्य घटनाएं हुई तो उसको भी सुबह में बंदियों को सुनाया जाए, ताकि उनके इंटरटेनमेंट के साथ साथ उनका ज्ञान वर्धन भी हो। और मैं जिला कारागार बुलंदशहर में पिछले 3 साल से निरुद्ध हूँ। मैं यहाँ रेडियो जॉकी का कार्य करता हूँ। जेल में जिला कारागार बुलंदशहर में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई है जेल रेडियो की, जिसमें आपकी पसंद का फरमाइश का गाना चलाया जाता है, जिसमें जो बंदी यहाँ पे जो भी बंदी हमारे भाई बंधु बंद हैं वो अपनी फरमाइश का कोई भी गाना हमको लिख के देते हैं और हम उसको गाने को उनकी फरमाइश पे प्ले करते हैं। ये लगभग सभी बंदियों को काफ़ी पसंद है। रोज़ अपनी फरमाइशें देते हैं, 100-200 गानों की फरमाइशें आती हैं। बंदियों की मानसिकता में बदलाव करने के लिए और उनके अंदर जब जेल में आते हैं तो तनाव हो जाता है, घर की परिवार की और मुकदमे की तमाम चिंता हो जाती है। उसको दूर करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए और उनकी पसंद के गाने उनको सुनाने के लिए ये जेल रेडियो की स्थापना कराई गई है। इसमें बंदियों की जो फरमाइशें होती हैं, फिल्मी गाने हैं, गज़ल है, कव्वाली है, या जो देश प्रेम के गाना सुनना चाहते हैं, जो भी उनकी फरमाइशें हैं वो सब कलेक्ट की जाती हैं। कलेक्ट करके वो इंटरनेट से डाउनलोड की जाती हैं और डाउनलोड करके जो एक बंदी है वो इसको जो है, जो रेडियो जाकी का काम करता है वो इसको सुनवाता है। अब इसमें एक और जो है, जेल प्रशासन ने विचार किया है कि प्रतिदिन जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएँ हुई हैं वो भी प्रतिदिन उसकी दिन तिथि के अनुसार वो घटनाएं भी बताई जाएं, ताकि बंदियों में और ज्ञानवर्धन भी हो, उनके अंदर जो है मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हो। जिलाधिकारी की माने तो बंदियों को मनोरंजन के साथ साथ देशभक्ति और ऐतिहासिक दिन हो तो उसकी भी जानकारी रेडियो पर प्रसारित कराकर बंदियों का ज्ञानवर्धन भी कराने के जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सबसे पहले बुलंदशहर जिला कारागार में जेल रेडियो स्टेशन बनाया गया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।